हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मोटिवेशन एंड मैजिकल राइड। मैं जय कुमार आज आपको रूबरू करवाने वाला हूँ एक ऐसे जादूगर से, एक ऐसे मैजिशियन से जो आपके सारे गोल्स अचीव करवा सकता है, या अगर हम ऐसा कहें कि इसके बिना तो आप अपने गोल्स अचीव ही नहीं कर सकते तो वो भी सही है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फोकस की, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन की, आज हम बात करने वाले हैं ध्यान की। क्योंकि जिसने नहीं लगाया ध्यान उसको कैसे मिलेगा ज्ञान और उसका कैसे होगा कल्याण। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स आने वाले हैं विच विल बी यूजफुल फॉर यू टू अचीव योर गोल्स। अगर आपने अपनी लाइफ के लिए कोई गोल सेटअप करके रखा है, अगर आप भी कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपने फोकस के रिलेटेड भले ही काफ़ी वीडियोज़ देखे हो, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट वीडियो। So what are we waiting for? Let's start the video. तो guys, अगर एक रेस में 7 लोग दौड़ रहे हैं तो जीतेगा कौन? आप कहोगे वही जीतेगा जो सबसे तेज़ होगा। बात तो सही है, जीतना भी वही चाहिए जो सबसे तेज़ होगा। बट आपको क्या लगता है तेज़ कौन होगा? तेज वही होगा जिसका पूरा फोकस फिनिशिंग लाइन पे होगा। अगर दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि जीतने के बाद उसको इतने सारे पैसे मिलेंगे, अगर उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि जीतने के बाद कल उसके हेडलाइंस में फ़ोटो छपने वाले हैं, अगर जीतने के बाद उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं और उसकी काफ़ी सारी और भी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको वो फास्ट दौड़ पाएगा? वो बिल्कुल भी फास्ट नहीं दौड़ पाएगा। क्योंकि फास्ट वही दौड़ेगा जिसका उस टाइम पे फोकस सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग लाइन पे होगा। एक बहुत पुराना किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने 100 कौरव, 5 पांडव और 1 अश्वत्थामा, 106 लोगों से एक ही सवाल पूछा था कि तुम्हें पेड़ पे क्या दिख रहा है। सबने अलग अलग बातें बताई, लेकिन एक अर्जुन ही था जिसने कहा अब मुझे केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिख रही थी, जिसकी वजह से इकलौता अर्जुन ही था जिसका निशाना उस चिड़िया की आंख को लगा। बिकॉज ही इज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग, ही इज ओनली फोकसिंग ऑन डेट आई, उसको उस आंख के सिवा और कुछ नहीं देख रहा था। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, अगर आपने भी कुछ गोल्स सेटअप करके रखे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन डैट गोल्स। आप हाईवे पे जाते हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने बहुत बार ये चीज़ पढ़ी होगी, और वो चीज़ है नज़र हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, ये 4 वर्ड्स का जो सेंटेंस है वो कोई मामूली सेंटेंस नहीं है, ये एक मैजिकल सेंटेंस है। और ये जो चीज़ है ये आपके लाइफ के हर एक स्टेज पे अप्लाई होती है, इम्प्लाई होती है। अगर आप किसी भी चीज़ से नज़र हटा देते हैं तो दुर्घटना घट जाती है, चाहे फिर वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या मेंटल लाइफ हो। तो अगर आपका भी ध्यान हट गया है अपने पर्सनल लाइफ पे से, अगर आप भी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके बच्चे कब आपके हाथ से निकल जाएँ, कब किसी रॉन्ग ट्रैक पर चले जाएँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस उन पे से हट गया है। अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि आपने कमाया कितना, अगर आपका फोकस हट गया कि अपने खर्चे आप कितने कर रहे हैं और कमा कितना रहे हैं, अगर आप 50,000 कमा रहे हैं और 80,000 खर्चे कर रहे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप एक दिन फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएंगे। जी हाँ, तो फोकस लगाए रखिए अपने पर्सनल लाइफ पे, फोकस लगाए रखिए अपने फाइनेंशियल लाइफ पे। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका ध्यान आपके जो टारगेट्स दिए हुए हैं उस पे से हट गया है, तो देयर आर फेयर चांसेस कि अब आपकी जर्नी उस कंपनी में लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है। तो फोकस बनाए रखिए अपनी पर्सनल लाइफ पे, फोकस बनाए रखिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे, और फोकस बनाए रखिए अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पे। अब बात करेंगे सोशल लाइफ पे। अगर आप उनमें से हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, अगर आप उनमें से हैं जिनको पड़ी नहीं है कि
कौन आपको कॉल करता है, और अगर आप मिस कॉल देखकर भी सामने उनको रेस्पॉन्ड नहीं करते, तो जब रियली में आपको उनकी ज़रूरत होगी, जब आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, दे विल ऑल्सो इग्नोर यू। आजकल किसी को नहीं पड़ी है, अगर आपको नहीं पड़ी है तो कोई आपके वो सपोर्ट करेगा ही क्यों। तो भले ही आजकल कोई किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए या नहीं कर पाए, बट वो किसी न किसी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। आपके वेल विशर्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इनसे आप अपने कॉन्टेक्ट्स बनाए रखिए, इनसे आप अपने लिंक्स बनाए रखिए। आप अपनी सोशल लाइफ पे भी उतना ही फोकस कीजिए जितना आप अपनी दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं। एंड नाउ द मेन पॉइंट, मेंटल लाइफ, मेंटल एस्पेक्ट। कोरोना के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई है। कोरोना के बाद लोगों के दिमाग में एक नेगेटिविटी पैदा हो गई है, बट दिस इज़ द हाई टाइम। अब जबकि काफ़ी सारी चीज़ें खुल चुकी है, अब हमें फोकस करना है पॉजिटिविटी की तरफ। अब हमें फोकस करना है उन चीज़ों की तरफ जो हमारे लिए अभी तक अच्छी हुई हैं। जैसे कि अगर 6 महीने के बाद भी अगर आप सेफ़ हैं, अगर कभी भी आपको या आपकी फैमिली में किसी को कोरोना नहीं हुआ है, तो आप ये सोचकर खुश रहिए कि एटलीस्ट ये एक चीज़ है जो आपके फेवर में हुई है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर, इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को लेकर आप खुद में इतनी पॉजिटिविटी भर लीजिए, अपना फोकस इतना इस पॉजिटिविटी पे लगा लीजिए कि डैट विल क्रिएट अ डिफरेंस फॉर यू, क्रिएट अ पॉजिटिव डिफरेंस फॉर यू। जी हाँ, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, सोशल लाइफ पे और मेंटल लाइफ पे ध्यान दिए, उन पे से कॉन्सेंट्रेशन मत हटाइए। एंड दिस विल कलेक्टिवली ब्रिंग्स द ह्यूज सक्सेस फॉर यू। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है टू ब्रिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस फॉर यू। मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा वो सारा निचोड़ के आपके लिए लेके आता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनकी आप केयर करते हैं। जी हाँ, जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं, जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो भी लाइफ में आगे बढ़ें, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चलें और दे विल ऑल्सो फील हैप्पी एंड मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग दिस। एंड वो जो लाल बटन है ना, डेट रेड वन जो चमक रहा है, उस पर फोकस कीजिए और उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। जी हाँ, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका विश्वास चाहिए। आई वॉन्ट टू टेक दिस जर्नी अ ह्यूज जर्नी, आई वॉन्ट टू मेक दिस जर्नी अ ह्यूज जर्नी। मैं एक मिशन पे हूँ जिस पे मैं चाहता हूँ सबका साथ, सबका विकास। तो मुझे आपका साथ चाहिए। आप सिर्फ व्यूअर्स नहीं हैं, नाउ यू आर लाइक अ फैमिली। और मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली में कोई भी दुखी ना रहे, हर किसी का प्रोग्रेस हो। तो आइए जुड़िए इस राइड में, द मैजिकल राइड में। मोटिवेशन अ मैजिकल राइड, इस मैजिकल राइड का पार्ट बनिए। एंड लेट्स मेक इट अ बिग, लेट्स मेक इट बिगर, लेट्स मेक इट बेटर। तो जुड़िए हमारे साथ और अपना साथ बनाए रखिए। और आशा करता हूँ आप यूं ही हमेशा अपना साथ देते रहेंगे। एंड चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।